आज करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। तो फिर आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर में होगा चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर 12 सदस्य। सर्वराही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड के संस्थान की स्थापना किसने की? स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना रॉबर्ट बेडन पावेल ने की। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी किक सब फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल में है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार 1961 को शुरू हुआ। भारत की मानक रेखा कौन सी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है जो मानक रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंची। अगला, स्वाग किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कला है तो हरियाणा। स्वाग हरियाणा का लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। आंसर में नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया?
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत जो गुजरात में है लगाया। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। हॉकी खेल में बुली शब्द प्रयोग होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रांबे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में की। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द प्रयुक्त होता है। अगला, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एड्स का पूर्ण विस्तार अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम होता है। जालियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जालियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। आगा खां का संबंध किस खेल से संबंधित है? आगा खां का संबंध हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है।